हेलो एवरीवन, सभी कैसे हो? मेरी आवाज अगर आपको सुन रही है तो एक बार कमेंट में फटाफट से लिख दीजिए, फिर आज की क्लास हम करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज है 20 सितंबर और 4 बजे लाइव फ्रॉम जेबी क्लासेस के स्टूडियो से, तो फटाफट से आज की करंट अफेयर अपने पढ़ते हैं। तो चलो अभी एक बार सभी बच्चे आ जाइए। चलिए आइए फटाफट से, सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट से आ जाइए भाई, हरी अप। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली न्यूज आपके सामने है, तो न्यूज नंबर 1, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी मैस और साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA दोनों ने मिलकर साइन कर लिया, यानी एक फिनटेक कॉर्पोरेशन के एग्रीमेंट के लिए उन्होंने साइन अप किया दोनों ने मिलकर। कह सकते हैं कि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने फिनटेक प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर सहयोग और साझेदारी के साथ सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक फिनटेक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन सी पार्टीज ने मिलकर किए हैं, तो दोनों के नाम याद कर लो, एक तो है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और दूसरी अपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। आओ देखते हैं इसके बारे में और खास बात आपको क्या क्या याद रखनी है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। कहते सिंगापुर की जो अपने बोलते हैं ना मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये है कौन सी? तो इसका नाम है सिंगापुर सेंट्रल बैंक, यानी सिंगापुर की सेंट्रल बैंक ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया है। सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर किया करो। हाँ, थैंक यू सो मच। सबको चाय मिल रही है इधर लाइव चैट में, चाय बांटने वाले आए हुए हैं, जिसे को चाय चाहिए वो पी ले, पहले करंट अफेयर पढ़ लो, पहले चाय पी लो। आ जाओ आगे देखो, इट इज हाउस्ड इन गुजरात, यानी कहते हैं कि ये गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी में बोलते हैं, गिफ्ट सिटी बोलते हैं, वहां पे स्थित है। और गिफ्ट IFSC जो है बच्चों, भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो यहाँ पर गुजरात के अंदर बना हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज। तो कहते हैं कि NHRC के चेयरपर्सन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये अब चुने गए हैं मेंबर। किसके मेंबर? मेंबर ऑफ गवर्नेंस कमेटी ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम, यानी एशिया पैसिफिक फोरम, जिसको आप बोल सकते हो कि APF के अरुण कुमार मिश्रा नए क्या बन गए, इस कमेटी के सदस्य बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं। वैसे ये क्या है? NHRC के चेयरपर्सन है। तो चलिए आगे बात करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। यानी कहने का मतलब है कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, जिसको बोल देते हैं गनरी ब्यूरो, तो वहां पर भी इनकी ऑलरेडी क्या चल रही है, मेंबर की, वहां पर भी ये मेंबर है, यहाँ पर भी मेंबर बन गया और ऑलरेडी ये NHRC के क्या है बच्चों, चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, न्यूज नंबर 3, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति स्वाति पीरामल, कितनी बार पीरामल पीरामल अपने पढ़ते होते थे, स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला, यानी फ्रांस देश का जो सबसे उच्च स्तर का अवार्ड है वो इनको मिला। चलिए सभी बच्चे क्लास को शेयर और लाइक जरूर किया करो। हाँ, तो उद्योगपति अच्छे से नाम देख लो, स्वाति पीरामल, टॉप फ्रांस का अवार्ड मिला। आइए देखते हैं कौन सा अवार्ड मिला क्या। कहते प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस के मजबूत संबंध के कारण फ्रांस के फ्रांस शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बस इतनी बात है इनकी यहाँ से कि फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड इनको मिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की ओर से उन्हें शेवर्ली डे ला लीजन, ये पूरा अवार्ड का नाम है, तो ये होनर या नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड इनको बच्चों सम्मानित किया गया। इनका नाम पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना बच्चों,
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, या बोल सकते हैं आप इसको बच्चों चेवेलियर डे ला लीजन डे ऑनर, ठीक है। ये पुरस्कार है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन जो इनको मिला, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने दिया उनको। चलो स्वाति पीरामल बच्चों, इसको और कौन सा पुरस्कार पहले मिला हो, पद्मश्री मिला हुआ है जो अपने भारत के हाईएस्ट सिविलियन में से एक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। चलिए आइए, हाँ न्यूज नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड इसकी 100% सहायक कंपनी बन गई है, क्योंकि देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने अन्य शेयर धारकों से लगभग 14% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यानी कहने का इनका मेन मतलब है कि 14% जो है बच्चों इन्होंने क्या कर ली, हिस्सेदारी हासिल कर ली है शेयर होल्डर से, और एसबीआई ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड है जो बच्चों 100% बन गया है, जो अपने देश का कंट्री का बिगेस्ट लेंडर बन गया है, जिसने क्या किया 14% शेयर्स को टेक ओवर कर लिया। आगे देखो इसके बारे में और क्या याद करोगे आप। एसबीआई की अगर बात करें, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड जो है बच्चों इसमें 13.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एसबीआई ने 67.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यानी जो ये हिस्सेदारी इतनी प्राप्त की है इसके लिए कितना भुगतान किया, कितनी अमाउंट पेमेंट करनी पड़ी, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। हाँ भाई किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, हाँ रोशन हो रहा है नाम, अरे रमन किसका नाम रोशन कर रहा है भाई, तू पढ़ लो पहले, हाँ सारे जाने चलो आओ। आगे देखो, एसबीआई ने मौजूदा शेयर धारकों यानी सिडबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इन सभी के अंदर देखो कितने कितने परसेंट फीसदी इन्होंने अपना शेयर खरीदा, कुल मिला के 13.82% इन्होंने क्या कर लिया बच्चों, इक्विटी यानी शेयर, अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे ले ली है, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं, हाँ न्यूज नंबर 5, गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी डायबिटीज के लिए ड्रग। फिर से बोलती हूँ, सरकार ने मधुमेह की दवा सिटाग्लिप्टन लॉन्च की, तो बस सिटाग्लिप्टन नाम की मेडिसिन लॉन्च कर दी है, ड्रग लॉन्च कर दी है सरकार ने। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जिसको PMBI बोलते हैं, अपने सभी जन औषधि केंद्रों में सिटाग्लिप्टन के नए वेरिएंट और इसके संयोजन को शामिल किया है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वहां पर इसको शामिल कर लिया गया, इसके नए वेरिएंट को, वैक्सीन को, ड्रग को ऐड कर लिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए घातक इंपॉर्टेंट होगा, तो इसकी न्यूज पे इधर आते हैं और इसको लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट या जबरदस्त इंपॉर्टेंट या घातक क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, न्यूज नंबर 6, चेक रिपब्लिक। फिर से बोलती हूँ, चेक गणराज्य की लिंडा फ्रूडविटा, इनका नाम ही ऐसा है क्या करें, तो लिंडा फ्रूडविटोवा ने पोलैंड की मैग्डालेनेट को हराकर चेन्नई ओपन WTA 250 का खिताब जीता। यानी चेन्नई ओपन WTA 250 का टाइटल किसने जीता, तो अपने को याद रखना है चेक रिपब्लिक की लिंडा ने जीता, बस इतनी बात। आगे कहते ये उनका पहला टूर खिताब था, फिर से बोलती हूँ पहला खिताब था। अगर बात करें डबल के अंदर कैनेडियन ब्राजीलियन पेयर था जिसका नाम था गैब्रिला और डेब्रुस्की, और साथ में लुइजा और स्टेफनी। इन्होंने अन्ना ब्लिनका रशिया की और नटेला डजल मिंडा जॉर्डिया की इनको हरा के बच्चों टाइटल जीत लिया है। तो दोनों की दोनों बातें याद रखनी होंगी, सिंगल में कौन जीता, डबल में कौन जीता। हाँ दो यार 22 की चेन्नई ओपन की बात करें तो बच्चों ये प्रोफेशनल वुमेन टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसको प्ले किया जाता है हार्ड कोर्ट पे, इसको स्पेस दे देना यहाँ पे सारे, ठीक है। चलिए आगे देखो, कहते 2022 का अगर बात करें WTA टूर का एक हिस्सा, इस टूर्नामेंट में 2008 के बाद पहली बार भारत में WTA टूर्नामेंट की वापसी को चिन्हित किया,
2008 के बाद ये 22 वाला बड़ी देर बाद हुआ अपने भारत के अंदर। चलिए ये यहाँ की खास बात थी इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7। एयर इंडिया ने अनवील कर दिया इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान Vihan.ai। ये अपने ने पढ़ा था अच्छे से कल भी, और ये क्वेश्चन पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई ये आज फिर से इंक्लूड हो गया, तो इसको अच्छे से याद रखना। कल अपने ने पढ़ा था ना Vihan.ai एयर इंडिया। आगे चलते हैं। विहान इज अ संस्कृत वर्ड, बच्चों संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डॉन ऑफ एन एरा, यानी ये जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। सीईओ अपने ने पढ़ लिए थे कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB ने बच्चों चुन लिया प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को अपना चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NLC इंडिया लिमिटेड के, जो ऑलरेडी मेंबर थे। तो बस संवैधानिक उद्यम चयन बोर्ड ने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में चुन लिया है। जहां कहीं भी नियुक्ति की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, चुना गया, अपॉइंट किया, जबरदस्त इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर के लिए। हाँ चलिए, नेपाल से भी है क्या कोई प्रकाश? हाँ पूनम, बहुत अच्छे बच्चे जो साथ साथ में लिखते हैं ना, शाबाश, वेरी गुड बच्चे। हाँ आगे देखो, NLC इंडिया लिमिटेड बच्चों क्या है, सरकार की एक फॉसिल फ्यूल माइनर और थर्मल पावर जनरेटर कंपनी है। फिर से बोलती हूँ, NLC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में एक सरकारी स्वामित्व वाली जीवाश्म ईंधन खनिक और थर्मल पावर जनरेटर है। तो बस इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। 9 नंबर न्यूज कहते बेंगलुरु FC ने बच्चों हरा दिया इंडियन सुपर लीग को। ध्यान से सुनना, इंडियन सुपर लीग को, और 2-1 से हराया। 131वें नंबर का एडिशन था इन खेल का, और एडिशन किसका चल रहा है बच्चों, डोरंड कप का, और कहां पे हुआ बच्चों, कोलकाता में हुआ, वेस्ट बंगाल, कहां पर, विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन के अंदर। तो बस बेंगलुरु, फिर से बोलती हूँ, बेंगलुरु FC ने कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीडम में इंडियन सुपर लीग के दिग्गज मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर दुरंत कप का 131वां संस्करण जीत लिया है। आइए आगे चलते हैं। पहला एडिशन बच्चों दुरंत कप का आया था 1888 के अंदर। आगे चलते हैं, मनोज बाजपेयी की खबर आ गई न्यूज नंबर 10। मनोज बाजपेयी ने बच्चों किताब पब्लिश किया है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये चंद लम्हे हैं, अभी आप मुस्कुरा रहे हो, तैयारी करोगे तो सारे ही लम्हे मुस्कुराते रहोगे, और तैयारी नहीं करोगे सीरियस होके तो फिर लाइफ भी सीरियस हो जाती है बच्चे। आगे चलते हैं, इनकी बुक अच्छे से याद कर लेना। कहते कला के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2019 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था, और द फिल्मी मैन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 के लिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी दिलाया था। तो इनका जो OTT अवार्ड मिला हुआ वो भी याद रखना फैमिली मैन के लिए, और 2019 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं, जो 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 11 नंबर न्यूज, दिल्ली और पंजाब सरकार ने हाथ मिला लिया कि हम लोग क्या करेंगे। ध्यान से सुनना, दिल्ली और पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि प्रधान राज्य में 5,000 एकड़ भूमि पर पूसा बायो डिकम्पोजर का उपयोग करने, डिकम्पोजर वर्ड आएगा इन्होंने ना हिंदी वालों ने, डिकम्पोजर ठीक है, का उपयोग करने के लिए हाथ मिलाया है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। आपको पता है पंजाब में कितनी बड़ी दिक्कत आती है, हरियाणा में पराली जला देते हैं, है ना। तो बस ऐसे काम नहीं करने, डिकम्पोज करवाओ उनको, ठीक है, बायो अपने आप वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आइए 12 नंबर न्यूज देखते हैं। 12 नंबर, अरे वर्क आर निधा आर, फेडरल बैंक बिकम द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन वर्क प्लेस कल्चर। यानी फेडरल बैंक ग्रेट प्लेस टू वर्क कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक प्राधिकरण वाला
सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बन गया है। फेडरल बैंक की थी टैगलाइन भी है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बैंक का रैंक आया है बच्चों कितना, 63 आया है, और बेस्ट वर्क प्लेस टीएम इन एशिया 2022 के हिसाब से। 13 नंबर न्यूज देखो और इसको अपने दिमाग में छाप लेना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। फिर से बोलती हूँ, गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। कुछ दिन पहले हमने तीसरे पढ़ा था, पहले 6वें 7वें भी पढ़ा था। कहते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से गौतम अडानी बच्चों दूसरे नंबर पे सबसे इंसान अमीर बन गए हैं विश्व में। इन्होंने किसकी जगह ले ली, जेफ बिजोस की जगह ले ली, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से। हाँ सतारह सितंबर 2022 तक अडानी की कुल संपत्ति $147 बिलियन और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क की कुल संपत्ति $264 बिलियन है। चलिए आगे चलते हैं। अंबानी का रैंक 10वां नंबर है, याद कर लेना, अंबानी कितने नंबर पे है, 10वें रैंक पे है, और इनकी इनकम है बच्चों $88.7 बिलियन। 40 नंबर न्यूज देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने बच्चों डिसाइड कर लिया कि नया सिस्टम लेके आएंगे। नया सिस्टम किस चीज का, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा हैदराबाद के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर के बाद। कहते तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है। चलिए 7 लाख वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला शौचालय भवन को 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कॉस्ट याद रखनी यहाँ पे आपको बहुत जरूरी होगी। न्यूज नंबर 15 आगे चलते हैं। न्यूज नंबर 15, अंडमान निकोबार आइलैंड बच्चों इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया। स्वच्छ सुजल प्रदेश, देखते हैं ये स्वच्छ सुजल प्रदेश क्या चीज है। कहते हैं कि जल शक्ति वाला मंत्रालय अपना गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया का स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया। इसके साथ में जितने भी यहाँ के गांव हैं अंडमान निकोबार के बच्चों, वो पूरी पूरी तरीके से उनके घर में क्या है, हर घर में जल पहुंच रहा है और उनको वेरीफाई किया गया कि किसी भी प्रकार से, जैसे कहते ना खुले में शौच, ये सारी चीजें वहां पे समाप्त हो चुकी हैं। साफ सुथरा पानी है पीने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर तरीके से पानी की मैनेजमेंट हो रही है। तो बस इतनी बात याद रखनी, ये सेम बात नीचे आपको हिंदी में लिखी देखने को मिल जाएगी। आगे देखो, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने ग्रामीण घरों में नल का पानी का कनेक्शन 100% कवरेज कर दिया था। घोषणा की थी कि हम कर देंगे 2021 तक का, हर घर जल पहुंचवा दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए, ये गोवा और तेलंगाना के बाद ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के साथ 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी कहने का मतलब, पहले पे गोवा था, फिर अपना तेलंगाना था, और फिर अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार अपना आंसर आएगा, ठीक है, इतना याद रख लेना। चलिए न्यूज नंबर 16 देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। पहले तो इतनी बात सुनो, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्य के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। यह 18 सितंबर 2022 से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगा, यानी 18, 19 और 20 तारीख तक चलेगा। इस बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी कर रहे हैं, टूरिज्म मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, कल्चर मिनिस्टर भी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी ये हैं। यहाँ तक होती है अपनी न्यूज की समाप्ति। चलो फटाफट से क्विज करते हैं, हाँ फटाफट से क्विज करते हैं और आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, कल अपना क्विज भी रह गया था। चलो जी, फटाफट से सारे बच्चे आंसर देते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया होगा, तो चलो फटाफट से आंसर देते जाइए।
इंडसइंड बैंक ने अप्रूव कर दिया कि हम फिर से नियुक्ति करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ की 3 सालों के लिए, जो पहले भी यहां पे था। हाँ सुरेंद्र गुजर, हाँ जी बच्चे, हेलो बच्चा, चलो फटाफट से लिखो। अरे कितने बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सोचो और आंसर दो फटाफट से। हाँ हरी अप हरी अप भाई, इसका आंसर आएगा सुमंत कठपालिया, सुमंत कठपालिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करी जाए तो इसके अंदर अभी अभी नियुक्ति हुई है नए मेंबर की, बताओ किसकी हुई है फटाफट से। हरी अप सोचो और बताओ। डोंट नो, तो थॉमस एम देवासिया, अब ना बोलना, थॉमस एम देवासिया। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया किस कंपनी के साथ कि हम रिलायंस हेल्थ ज्ञान पॉलिसी देंगे कस्टमर्स को, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट किसके साथ मिलके। तो आंसर आएगा बच्चों पेटीएम, सेकंड ऑप्शन सही है पेटीएम। जिसको नहीं पता आप ध्यान से टिक करते जाओ और आंसर बताते जाओ फटाफट से। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया, अभी लाइक एंड शेयर जरूर किया करो अभी फटाफट से। हाँ बेंगलुरु एफसी ने जीत लिया और 131 नंबर का डुरांड कॉफी मुंबई को हरा के कितने नंबर, कब इसकी कहते पहला एडिशन इसका कब आया था शुरुआत, अभी पढ़ा था ना शुरुआत इसकी कब हुई थी, चलो बताओ बताओ। हाँ शाबाश 1888। आगे चलो, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एंगोला फिर से चुने गए। बताओ। थोड़े दिन पहले भी पढ़े थे अपने, नहीं पता तो लिखो फिर, जुआओ लोरेंको, जुआओ लोरेंको। ठीक है चलिए आगे। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनएलसी इंडिया लिमिटेड के कौन बने हैं, फटाफट से बताओ, अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था। शाबाश। तीसरा प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, चलिए हाँ आंसर आएगा ये। चलो आगे देखो, विच बैंक, कौन सी बैंक का रैंक 63 आया बेस्ट वर्क प्लेस इन इंडिया वर्क इन एशिया, सीधा ही आंसर बता दो, अभी तो पढ़ा ही था इसको। शाबाश पूनम, बहुत अच्छे, मनोज वेरी गुड। आगे रमन, मे बी सी फेडरल बैंक। प्रणव आनंद 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो कौन से राज्य के रहने वाले हैं बताइए फटाफट से बताइए। प्रणव कर्नाटक, कौन सा स्टेट यूटी है जिसने डिक्लेयर कर दिया भारत का पहला स्वच्छ सुजल, बताइए स्वच्छ सुजल फटाफट बताओ। अभी तो पढ़ा था ना अंडमान निकोबार। आगे चलो, जितेंद्र सिंह विल लीड इंडियन डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम इन विच कंट्री, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। आंसर आएगा यूएस, जिसको नहीं पता। इंडियन वॉर वेसल आईएनएस तरकश ने हिस्सा लिया जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज नाइजीरियन नेवी के साथ, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा उसने, उसने ऊपर करंट की न्यूज बता दी और नीचे स्टैटिक क्वेश्चन पूछा, बताओ फटाफट से। तीसरा, अरे अंबुजा था ना,
अंबुजा तीसरा कैसे हो सकता है, ओस्लो तो नॉर्वे की कैपिटल है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम हैज इलेक्टेड होम इट्स न्यू प्रेसिडेंट फिस्कल ईयर, बताओ। आप इंद्रमित गिल बिल्कुल मत बताना, गलत हो जाएगा, मोटा मोटा क्वेश्चन आपका सिद्ध ही। नहीं पता था, लिखो विनोद अग्रवाल, पहला आंसर आएगा इसका बिल्कुल सही। आगे चलो, यूनिसेफ ने अपॉइंट कर लिया वनेसा नकाटे को क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपना गुडविल एम्बेसडर, तो बताइए वो कौन से देश की रहने वाली है। कल ही अपने पढ़ा था, हाँ शाबाश, युगांडा, युगांडा की रहने वाली थी, युगांडा की। आगे लिखो, इंडिया रेटिंग ने कट कर दिया, यानी इंडियन रेटिंग के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जीडीपी जो है वो कितनी होगी, यानी 7% से जरूर कम हुई होगी, कट वर्ड यूज हुआ है, तो बताओ कितनी होगी, फटाफट से बताओ। सिक्स पॉइंट नाइन आंसर आएगा, बिल्कुल सही। आगे चलो, बस इतनी सी बात थी, समाप्त हो गए क्वेश्चन। चलो मिलेंगे कल इसी समय 4 बजे, सभी बच्चे क्लास को लाइव जरूर देखा करो। हाँ आज तो एक दिन की करंट अफेयर थी, तो आपको पता जल्दी हो जाएंगी, ये तो 3 दिन की होती तो फिर तो 1.5 घंटा हुआ लगता ही लगता। सबको बाय, टेक केयर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास सारे अटेंड किया करो और क्लास में बातें, चाय पी लो, ये पी लो, वो खा लो, पकौड़े खा लो, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए आप आए हो तो पढ़ा करो, ठीक है। आपस में दोस्त मित्र बना लेते हो, चैट कर लेते हैं, भाई चैट करने के 100 साधन है ना, जब आप पढ़ने आए तो तब सिर्फ पढ़ना चाहिए और उसी की चीज को, क्वेश्चन को लिखो और आंसर करो, ठीक है। चलो